इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्कोडा कुशाक के बारे में। मैं उसको आपको 11 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके प्राइजेज, लुक्स, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंजन, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग। मैं इस वीडियो में आपसे स्कोडा कुशाक के बारे में बात करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग प्राइजेज एंड लॉन्च डेट। तो सबसे पहले मैं आपको स्कोडा कुशाक के एक्सटीरियर दिखाने वाला हूँ, फिर इंटीरियर, फिर मैं उसमें आपको कलर्स कितने मिलने वाले हैं, सेफ्टी फीचर्स, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। ओके, सब चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस कार के लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सटीरियर का फ्रंट लुक देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। अगर फ्रंट लुक की बात करूँ तो स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल्स आती है, DRLs मिल जाती है हेडलाइट्स के ऊपर, जो काफ़ी इंटीग्रेटेड एकदम मस्त लगती है। डुअल टोन बम्पर मिल जाता है और इसमें आपको इंडिकेटर्स साइड में मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं साइड लुक के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। ऐसा पहली नज़र आपको इस गाड़ी की जो जाती है वो इस गाड़ी के 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, सॉरी 17 इंचेस के। फिर इसमें आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल्स एंड ओवरियंस मिल जाते हैं। स्कोडा की यहाँ पर आपको बैचिंग मिल जाती है, सिल्वर रूफरेल्स मिल जाती है और ब्लैक एंड ए पिलर मिल जाता है। अगर मैं रियर लुक की बात करता हूँ तो यहाँ पे गाड़ी में जो पहली नज़र जाती है वो इस गाड़ी के क्रोम फिनिश पर, क्योंकि ये काफ़ी बीच में दिया गया है। उसके साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, फिर टेल लाइट्स मिल जाते हैं, बीच में इंडिकेटर्स और यहाँ पर आपको डुअल टोन बम्पर भी मिल जाता है, रियर वाइपर एंड वॉशर प्लस शार्क फिन एंटीना। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो ये गाड़ी काफ़ी सही लगती है फ्रॉम द इंटीरियर। इट्स फर्स्ट लुक इन द इंटीरियर इज वेरी मच प्रिटी। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे पहली नज़र जाती है वो इसकी 10.25 इंच की डेस्कटॉप टच स्क्रीन, फ्लोटिंग टच स्क्रीन भी कह सकते हैं। दूसरी नज़र इस गाड़ी के स्पोर्टी टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील पे जाती है और काफ़ी अच्छा ड्यूअल टोन फिनिश में यह मिल जाता है। एक्सटीरियर की तरह ही इसका इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत बनाया है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल टोन सीट्स मिल जाती है ग्रे कलर की। फिर अगर रियर सीटिंग्स की बात करूँ तो 3 हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट और एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ओवरऑल इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों मुझे काफ़ी पसंद आए, होप्स आपको भी पसंद आए होंगे, काफ़ी बढ़िया लगती है। बात कर ले इसके अब डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस में इसकी लेंथ है स्कोडा कुशाक की 4221 mm, विथ है 1760 mm, हाइट है 1612 mm और बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें आपको 385 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो इसमें आपको 2651 mm का व्हील बेस मिल जाता है। सो ओवरऑल कार इज़ वेरी गुड इन द ओवरऑल। अगर प्रैक्टिकलिटी में भी बात करूँ तो भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अभी बात कर लेते हैं इस कार के इंजिन्स के बारे में, तो इसमें आपको दो तरह के पेट्रोल इंजिन्स मिलने वाला है, डीजल नहीं होने वाला है। पहला होने वाला है 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजिन और दूसरा होने वाला है 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजिन। तो सबसे पहले 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजिन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो स्कोडा कुशाक का पहला इंजन 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो करीब 109 BHP की पावर जनरेट करता है, 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाला है। ये इंजन आपको सेम स्कोडा की दूसरी गाड़ी रैपिड में भी मिल रहा है, चाहो तो उसे टेस्ट कर लो, वैसा ही इंजन होने वाला है। फिर बात कर ले सेकंड इंजन, जो कि 1.5 लीटर TSI पेट्रोल, जो 1.5 लीटर TSI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो करीब 148 BHP पावर जनरेट करता है, 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको ये मिलने वाला है। ये सेम इंजन आपको फॉक्स वैगन की T-Roc में भी मिल रहा है, चाहो तो आप उसे भी एक बार चेक कर लो। दोनों इंजन सिमिलर है टू द रैपिड और दूसरा फॉक्स वैगन की T-Roc। बात कर लेते हैं फोर्थ इस गाड़ी की फीचर्स के बारे में। इस कार को ऑफिशियली यूनिवील कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं इसमें आपको कुछ फीचर्स जो ऑफिशियल है वही मैं बताने वाला हूँ, शायद लॉन्च होने के बाद भी कुछ फीचर्स हो तो मैं फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका पहला फीचर है 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। फिर इसमें आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन, फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलने वाली है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगी, वायरलेस चार्जिंग, USB-C पोर्ट फॉर रियर पैसेंजर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फिर इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स, LED DRLs, LED हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स, LED टेल लाइट्स, रियर बम्पर माउंटेड रिफ्लेक्टर्स, 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील, वायरलेस स्मार्ट लिंक विद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, फिर इसमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बियंट इंटीरियर लाइटिंग, 7 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम विद स्टैंडर्ड स्कोडा स्पीकर्स, क्रूज कंट्रोल, स्कोडा प्ले एंड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफ स्कोडा विच ऑफर्स यू लाइक व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट, व्हीकल ट्रैकिंग,
ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड मच मोर। तो ये सभी गाड़ी के फीचर्स थे। अभी बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि होने वाला है सेफ्टी फीचर्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुशाक के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स बताने वाला हूँ, जो आपको कुशाक खरीदने पर मिलने ही मिलने वाले हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फीचर्स। तो सबसे पहले इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD, सीट बेल्ट प्रिटेशनर्स विथ स्लॉट लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाता है हर किसी वेरिएंट में। बात कर लेते हैं मैक्सिमम सेफ्टी के बारे में, जो कि टॉप या फिर सेकंड टॉप में मिल जाती है। तो जैसे कि 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और मल्टी कोलाइजन ब्रेक जैसे फीचर्स कुशाक में टॉप वेरियंट्स में मिल जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं 7 पॉइंट के बारे में, जो कि है वेरियंट्स, सॉरी 6 पॉइंट जो कि है वेरियंट्स। तो बेसिकली इसमें 3 वेरियंट्स है, एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। इसमें से ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सा वेरिएंट सही, कौन सा वेरिएंट हाँ मतलब टॉप है, कौन सा बेस है। एक्टिव इज मे बी बेस, एम्बिशन मे बी मिड, और स्टाइल मे बी टॉप वेरिएंट्स। सो कुछ इस तरीके से इसका वेरिएंट्स एक्सप्लेनेशन में भी वीडियो लाने वाला हूँ। 7th बात कर लेते हैं पॉइंट, जो कि है ट्रांसमिशन एंड इंजन इन पर्टिकुलर वेरिएंट, यानी कि एक्टिव वेरिएंट अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको कौन सा इंजन मिलने वाला है और उस इंजन में कौन से ट्रांसमिशन मिलने वाले हैं, तो वो आप अपनी स्क्रीन पे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट कहाँ पे मिल रहा है। तो एक्टिव वेरिएंट में आपको 1 लीटर TSI 6-speed मैनुअल में मिलने वाला है, ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला। जबकि एम्बिशन वेरियंट, जो कि इसका सेकंड बेस या फिर मिड कह सकते हैं, इसमें आपको 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलेगा, 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। स्टाइल वेरिएंट की बात करूँ तो मे बी ये टॉप वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको दोनों के दोनों इंजन मिल रहे हैं, दोनों के दोनों ट्रांसमिशन में, यानी कि TSI पेट्रोल इंजन 1 लीटर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक एंड 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन 6 and 7-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। सो आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का पर्टिकुलर वेरिएंट में इंजन ट्रांसमिशन। बात कर लेते हैं 8 पॉइंट के बारे में, जो कि है कॉम्पैक्ट कलर। ओके सो बेसिकली कुशाक में आपको 5 कलर्स मिलने वाले हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला कलर होने वाला है कैंडी वाइट, फिर रिफ्लेक्स सिल्वर, कार्बन स्टील, टोर्नेडो रेड एंड हनी ऑरेंज। तो ये पांचों के पांचों कलर्स आपको कुशाक में मिलने वाले हैं। बात कर लें 9th पॉइंट के बारे में, जो कि है कॉम्पिटिशन। तो ये कुशाक क्रेटा, किया सेल्टोस, निशान किक्स, रेनॉल्ट डस्टर एंड मारुति सुजुकी के एस्क्रॉस से कॉम्पीट करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, किस पे सेल्स पर असर पड़ता है या नहीं। 10th पॉइंट है इस गाड़ी का लॉन्च डेट। तो बेसिकली कुशाक को तो ऑफिशियली लॉन्च डेट यूनिवील कर दी गई है। इसमें आपको लॉन्च डेट 28 जून 2021 को ये कार लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में। बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है प्राइजेज। सो इस गाड़ी के अभी तक ऑफिशियल प्राइजेस तो रिवील नहीं हुए, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइजेस एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये 10 लाख से शुरू होकर 16.5 लाख रुपीज़ तक में लॉन्च पहुँचानी चाहिए। मैं फीचर्स में ध्यान में रखते हुए, बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग, सेफ्टी फीचर्स मैं सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने प्राइसेस आपको बताए हैं। तो बेसिकली इस प्राइस रेंज में अगर कुशाक को लॉन्च किया जाता है तो मे बी इसमें किया सेल्टोस, निशान किक्स, रेनॉल्ट डस्टर, ह्यूंडई क्रेटा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बेसिकली क्रेटा को इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड मिल रहा है। तो वैसे भी तो कुशाक ज़्यादातर गाड़ियों को कंपटीशन देने वाली है, और ये मैं पहली ऐसी स्कोडा की कार देख रहा हूँ जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सभी लोग एक्साइटेड है, क्योंकि कुशाक की एक पहली SUV होने वाली है इंडियन मार्केट में, कॉम्पैक्ट SUV, जो कि काफ़ी सस्ती होने वाली है 10 to 16.5 लाख रुपीज़ में। सो ये थी तो कुशाक के बारे में, मैंने आपको 11 पॉइंट्स में इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें अगर आप, मैं और फीचर्स भी बताना भूल गया, जैसे कि इसमें आपको रियर AC वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट, रियर सीट बेल्ट पॉकेट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स भी मैंने आपको बताना भूल गया। सो वो भी इसमें आपको मिल जाते हैं। और ये स्कोडा फॉक्सवैगन की MQB प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, यानी कि अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यह कार काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी पे बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर फॉक्सवैगन की MQB प्लेटफॉर्म पे बनी कार्स ना क्रैश टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देती है। तो मे बी ये कुशाक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे क्रैश टेस्ट में, होप टू, क्योंकि अभी सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इंडियन मार्केट्स। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। स्कोडा कुशाक के बारे में मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ जब लॉन्च होगी, तो देखते हैं इसमें कितने प्राइस में लॉन्च की जाती है और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वैसे तो फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन और कौन से फीचर्स स्कोडा वाले ऑफिशियली ऐड करते हैं।
सो बस यही थी कुशाक से रिलेटेड न्यूज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।